बच्चों, वेलकम टू के साइंस एकेडमी। बच्चों आज मैं सीबीएसई बोर्ड में जो एक क्वेश्चन आता है, रीजनिंग क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए मैं बच्चों आज जितने भी चैप्टर हैं ऑर्गेनिक के, उस सभी चैप्टर्स के जो है मैं रीजनिंग क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो बच्चों एक और चीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि देखो, जब बच्चों मैं एक पूरा का पूरा वन शॉट वीडियो बनाता हूं किसी चैप्टर का, तो वो थोड़ा सा लंबा वीडियो बन जाता है। तो अगर आपको कोई भी पोर्शन आपको पहले से आता है और आपको कुछ दूसरा पोर्शन चाहिए होता है, तो आप बेटा उस वीडियो को आगे बढ़ा करके देख लो, ठीक है, ताकि जो है ना, जो भी आपको चाहिए वो सारा चीज आप वहां पर जाकर के देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो बिना टाइम गवाए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों बस एक ध्यान रखो कि आप लोग एनसीईआरटी की बुक रख लो, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा और उसके बाद में उसका आंसर समझाऊंगा आपको मैं, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन बच्चों मैं लिख नहीं पाऊंगा इसमें, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, फर्स्ट चैप्टर है आपका हेलो एलिकेन्स का, उसमें देखो बेटा स्टार्टिंग में सबसे पहला क्वेश्चन है, यह है 10.2 क्वेश्चन है, व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ के आई। ठीक है बेटा, मतलब जब हम लोग एल्कोहल पे के आई डालते हैं, ठीक है, तो उसमें हम H2SO4 को यूज क्यों नहीं करते, जबकि हम लोग वही NaBr के साथ H2SO4 यूज कर लेते हैं। तो पहले बच्चों ये किस रिएक्शन के बारे में बता रहा है उसको बताता हूं मैं। देखो बच्चों होता क्या है कि NaBr पे जब हम लोग H2SO4 डालते हैं, है ना, तो पहले प्रोडक्ट बनता है HBr प्लस NaHSO4, ठीक है बच्चों। और जब आप एल्कोहल पे डाल देते हो आप HBr, ठीक है ना, तो इससे क्या होता है कि RBr प्लस H2O बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, NaBr पे H2SO4 डाल दिया। लेकिन फिर ये क्वेश्चन कह रखा है कि जब आप Ki के साथ H2SO4 लेते हो, है ना, तो उससे बच्चों बनता क्या है हमारा, HI प्लस KHSO4, ठीक है। लेकिन फिर कह रखा है कि एल्कोहल के साथ हम इस रिएक्शन को क्यों नहीं यूज करते, ठीक है बच्चों। ये बेटा यहां से हमारा क्वेश्चन का आंसर शुरू होता है। हम लिखेंगे बच्चों कि Ki प्लस H2SO4 गिव्स HI प्लस KHSO4, ठीक है बच्चों। अब क्या होता है बच्चे कि यहां तो HBr जो फॉर्म हुआ वो स्टेबल था, ठीक है, और H2SO4 ने उसको ऑक्सीडाइज नहीं किया, लेकिन यहां पर H2SO4 क्या करता है बच्चों, HI को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है बच्चों। तो यहां से हमारा आंसर है, हमने ये लिख दिया। फिर लिखेंगे कि सिंस H2SO4 being an oxidizing agent, H2SO4 being an oxidizing agent, oxidizes Hi2I2, क्या करता है बच्चे कि ये जो HI हमारा फॉर्म होता है उस पर एक नेसेंट ऑक्सीजन दे देता है H2SO4, जो कन्वर्ट हो जाता है बच्चों H2O और I2 में, ठीक है। तो अब ये HI बचा ही नहीं कि मैं इसको एल्कोहल के साथ रिएक्ट करवा सकूं, ठीक है। इसीलिए बच्चों क्या होता है कि Ki के साथ H2SO4 को कहते हैं हम लोग यूज नहीं करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड, ठीक है ना बच्चों। तो ये था बेटा हमारा 10.2। तो आप लोग यहीं से बच्चों ले सकते हो, इसके आगे का रिएक्शन दे सकते हो और यहां पर स्टेटमेंट दे सकते हो, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे। देखो बच्चा इसमें क्या होगा बेटा कि जो क्वेश्चन के ऑलरेडी आंसर दे रखे हैं मैं उस क्वेश्चन को छोड़ दूंगा, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बेटा मैं बैक एक्सरसाइज पे आ गया हूं। यहाँ 10.5 क्वेश्चन नंबर है, इसमें कह रखा है हाइड्रोकार्बन दे रखा है बच्चे C5H10 डज नॉट रिएक्ट विथ क्लोरीन इन डार्क बट गिव्स द सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड C5H9Cl इन ब्राइट सनलाइट, देन आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन, ठीक है बच्चे। बेटा ये C5H10 का जो है हमें एक कंपाउंड दे रखा है जो कह रखा है कि Cl2 से डार्क में रिएक्ट नहीं करता, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चे सबसे पहले तो हम देखते हैं कि C5H10 बेटा क्वेश्चन नंबर था, मैंने वैसे क्वेश्चन नंबर आप लोगों को बोला था बेटा, ये क्वेश्चन नंबर है 10.5, ये बेटा जी 10.5 है बैक एक्सरसाइज का, ठीक है बेटा। C5H10 है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। ये जो कंपाउंड है बच्चे ये कह रखा है कि डार्क में Cl2 के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, डार्क में नो रिएक्शन, ठीक है बच्चे। तो हम पहले सोच के देखते हैं कि CnH2n इसका जनरल फॉर्मूला है, तो किस किस का CnH2n हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों या तो साइक्लो एल्केन का होता है CnH2n या फिर होता है एल्कीन का, ठीक है बच्चे। तो मैं बेटा जी क्या कर रहा हूं, यहां पर ले रहा हूं मैं C5H10 का एल्कीन वाला। तो मान लेते हैं बेटा जो स्ट्रक्चर CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2CH3, है ना। तो ये हो गया बेटा जी हमारा C5H10, ठीक है।
अब बेटा चेक करते हैं कि डार्क में रिएक्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो देखो बच्चे डार्क में सिर्फ एडिशन रिएक्शन होता है, और एडिशन रिएक्शन किसमें होगा, जहां डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो यहां डबल बॉन्ड है तो ये रिएक्ट कर सकता है। ठीक है बच्चे, सी एच थ्री सी एच सी एल सी एच टू सी एच सी एल सी एच टू सी एच थ्री ये रिएक्ट कर सकता है। ठीक है बच्चे, इसका मतलब इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। एक और चीज कह रखा बच्चे कि जब इस कंपाउंड पे हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में हम लोग डालते हैं, ठीक है बच्चे, इसमें कह रखा है कि हम लोग अगर डालते हैं सीएल टू या बी आर टू, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, तब बच्चे जो है सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। तो बच्चों ये ध्यान रखो कि जो सीएल टू या बी आर टू से जो रिएक्ट करेगा सनलाइट में, तो हमेशा सिंगल बॉन्ड जो होगा वही रिएक्ट करता है, डबल बॉन्ड नहीं करेगा। तो एल्कीन में कौन करेगा बच्चों, तो एलाइलिक कार्बन, जो डबल बॉन्ड के जस्ट बाद वाला कार्बन होगा, जैसे कि ये है और ये है। ठीक है बच्चे, तो ये दोनों ही रिएक्ट कर सकता है सीएल से। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो यहां रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा सी एच टू सी एल सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू सी एच थ्री, है ना बच्चों, या फिर क्या बन सकता है, ये रिएक्ट कर लेगा तो क्या बनेगा सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच और सी एच सी एल सी एच थ्री। तो उसने कहा सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन हमारा तो दो दो प्रोडक्ट बन गया, यानी कि क्लियर हो गया कि ये जो है पेंटीन हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं है, रिक्वायर्ड जो है ना वो मॉलिक्यूल नहीं है। अब देखो बेटा दूसरा क्या बताया कि इसमें क्या होगा बच्चे, हमारा पेंटेन जो होगा साइक्लोपेंटेन। ठीक है बच्चे, तो बेटा साइक्लोपेंटेन में क्या होगा हमारा, ठीक है, तो साइक्लोपेंटेन में देखो जनरल फॉर्मूला इसका भी होता है बेटा CnH2n मतलब C5H10। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसलिए इस पर अगर मैं Cl2 डालूं, है ना, इन डार्क, तो ये नो रिएक्शन दिखाएगा। क्यों बच्चों, क्योंकि इसमें कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं इस पर Cl2 डालूं, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, तो क्योंकि बच्चों ये एल्केन है, इसमें जितने भी कार्बन है सबके पास दो दो हाइड्रोजन है ना, तो वो हाइड्रोजन निकल जाएगा और वहां पर बच्चे आ जाएगा Cl। ठीक है, तो मैं कहीं भी लगा सकता हूं, ठीक है, तो बेटा मैं यहां लगाऊंगा। ठीक है, तो भी इसको कहेंगे हम लोग वन क्लोरो साइक्लोपेंटेन, अगर मैं यहां पर सीएल लगाता तब भी वही कहते वन क्लोरो साइक्लोपेंटेन। ठीक है, तो कह सकते हैं कि इसका मतलब हमारा जो है रिएक्टेंट यही होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको लिखेंगे कैसे कि अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला द टू एक्सपेक्टेड मॉलिक्यूल्स आर साइक्लोपेंटेन एंड पेंटीन। Since pentene has double bond which reacts in dark with the Cl2, that's why there is a less possibility of this alkene. Further, it gives two different products when reacts with Cl2 in presence of sunlight. That's why this is not possible. ठीक है, ये molecule possible नहीं है. Now the second expected molecule is the cyclopentane which does not reacts with Cl2 in dark because of the absence of any pi bond. Now this reacts with Cl2 in presence of sunlight or UV rays. एंड गिव्स वन क्लोरोसाइक्लोपेंटेन। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चे, ये लिख दोगे बच्चों, जिसको बेटा स्टेटमेंट लिखना होगा जो मैंने बोला बेटा इसको रिपीट करके आप लोग लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों ये हो जाएगा इसका आंसर हमारा। ठीक है बेटा, अब बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो बेटा जी इसके बाद जो हमारा आता है नेक्स्ट जो है इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर है जो कि है, देखो बेटा ये है 10.12 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसमें कह रखा है बेटा जी द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ द साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। ठीक है बेटा, ये 10.12 का बेटा फर्स्ट पार्ट है। बेटा जी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो बच्चों, मैं उसको रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, देखो चल ये है हमारा 10.12 का फर्स्ट पार्ट। उसमें कह रखा है बच्चे कि क्लोरोबेंजीन की जो डाइपोल मोमेंट है, क्लोरोबेंजीन की डायपोल मोमेंट जो है वो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से कम है, ऐसा क्यों? ठीक है ना बच्चे, ये है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, और ये है बेटा जी हमारा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा जी क्या होगा फिर हमारा, तो देखो
अब हमें प्रूव करना है बच्चे कि इसका डायपोल मोमेंट जो है इससे कम होगा, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट का मतलब बच्चों आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि पी होता है क्यू इंटू डी, है ना, यही होता है बच्चों। डायपोल मोमेंट होता है चार्ज और लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों। तो हम देखो इस कार्बन को देखो बेटा, तो सारे कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इस कार्बन को देखो बच्चों तो क्या हो गया, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया बेटा sp2, ये हो गया sp3, ठीक है। यहां पर बच्चों अगर s करेक्टर देखोगे तो s करेक्टर इसका कितना होगा, वन थर्ड, मतलब 33.3% अराउंड, है ना, ठीक है बच्चे। इसका जो S करेक्टर होगा, S करेक्टर में अलग से लिख ले रहा हूं मैं, 33.3%, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। लेकिन बेटा यहां देखो S करेक्टर देखोगे तो 1 out of 4, मतलब सिर्फ 25%। कैसे देखते हैं बच्चों, देखो sp2 मतलब 3 हो गया एटम, 3 एटम में से S के 1 एटम है, तो 1/3 × 100 हो जाएगा S करेक्टर। यहां देखो बेटा sp3 में S का 1 एटम, P के 3 एटम, टोटल हो गया 4 एटम। उस 4 एटम में से S कितने हैं, 1, तो 1/4 हो गया बेटा जी, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो 25% S करेक्टर है ना, यहां पर 25% S करेक्टर, ओके बेटा। तो आप देखो बेटा रूल क्या होता है कि जिसके पास ज्यादा S करेक्टर होता है वो हो जाता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। यानी कि ये जो कार्बन है बच्चे ये हो जाएगा हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है ये हो जाएगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, क्यों, क्योंकि ज्यादा एस करेक्टर है। अब देखो बेटा क्या होता है कि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हमेशा होता है सीएल, ठीक है। तो मान लेते हैं बेटा कि ये जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लो 1 है, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लेते हैं बेटा जी 1.5 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 0.5, है ना बच्चों, ओके, ठीक है ना बच्चे। मैंने कहा इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने लेट कर लिया कि 1 है, और इसका हो गया 1.5, तो डिफरेंस कितना होगा, 0.5। अब आपको पता है कि ये जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे ज्यादा है, तो अगर उसका 1 लेट किया तो इसको मुझे 1.2 के करीब लेट करना पड़ेगा, है ना। तब क्या होगा बेटा, तो 1.2 - 1.5, है ना, तो क्या आएगा बेटा जी, ये लगभग 0.3 आ गया, है ना। यानी कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है बच्चे कम होगा, ठीक है, यानी कि कार्बन जो है इस क्लोरीन को कम इलेक्ट्रॉन देगा, या यूं कह लो कि क्लोरीन जो है इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को कम खींचेगा, इसलिए इस पर कम नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर ज्यादा नेगेटिव, जिस ज्यादा पॉजिटिव, ओके बेटा फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, इसको हटाता हूं। मैंने कहा बच्चे कि क्योंकि ये जो कार्बन है ये कार्बन क्या होगा बेटा हमारा, ये कार्बन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, है ना बेटा, तो इसलिए इसका डिफरेंस कम होगा, तो डिफरेंस कम होगा तो क्लोरीन इससे कम खींचेगा इलेक्ट्रॉन, इसलिए इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज थोड़ा छोटा होगा, इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज थोड़ा छोटा होगा। लेकिन इसके बीच में देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा था, तो इसलिए इसका बेटा जी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज भी बड़ा होगा, है ना, और डेल्टा नेगेटिव चार्ज भी थोड़ा सा बड़ा होगा। मैं रिप्रेजेंट के लिए ऐसे दिखा दिया, ठीक है, बाकी तो आपको स्टेटमेंट देने पड़ेंगे, ठीक है बच्चे। तो इससे ये क्लियर हो गया बच्चों कि यहां पर चार्ज ज्यादा आएगा और यहां पर चार्ज जो है बच्चे, यहां पर चार्ज क्या होगा, कम, ठीक है। तो हमने ये तो प्रूव कर दिया कि क्लोरोबेंजीन पे चार्ज कम आएगा, अब हमें बच्चे क्या करना है, डी को प्रूव करना है, ठीक है। तब देखो बेटा डी को कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो देखो बच्चे जब रेजोनेंस होगा, है ना, तो इसके पास जो लोन पेयर है ना, आपको पता है आप इसको दोगे यहां पर, इसको यहां देंगे, इसको यहां देंगे, इसको यहां देंगे, है ना, उसके कारण क्या होगा, इस बेंजीन के ऊपर में पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा, सीएल में पॉजिटिव आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है ना बच्चे, कभी यहां नेगेटिव, कभी यहां नेगेटिव, कभी यहां नेगेटिव, है ना। तो बेटा यहां पर क्या होता है रेजोनेंस के कारण, ठीक है बेटा, इसमें जब रेजोनेटिंग, जैसे नेक्स्ट स्टेप ही लेंगे तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप लेने पर क्या हो जाएगा बच्चे, कि सीएल पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड, यहां नेगेटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, ठीक है बच्चों। तो अभी देखो पहले था सिंगल बॉन्ड, अब आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है, फिर आगे तीन स्टेप के बाद फिर से आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, तो इस दोनों के बीच के बॉन्ड को हम क्या कह सकते हैं कि ये पार्शियल डबल बॉन्ड है, कभी सिंगल कभी डबल, तीसरे क्या होगा, ये पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है बच्चों। और देखो बेटा सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ उससे कम होती है, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है, ठीक है बच्चों। तो यहां बेटा जो पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, है ना, इसके कारण इसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, लेस बॉन्ड लेंथ हो जाएगा, ठीक है, लेस बॉन्ड लेंथ,
है ना बच्चों। अब देखो बेटा यहां पर क्या कोई रेजोनेंस नहीं है, तो ये सिर्फ सिंगल बोन का सिंगल बोन ही रहेगा, है ना बच्चों। तो उसके कारण क्या होगा बेटा कि इसकी बोन लेंथ बेटा ज्यादा रहेगी, है ना। तो देखो इस पे चार्ज भी ज्यादा और बोन लेंथ भी ज्यादा, इसलिए इसका डायपोल में क्या होगा ज्यादा। तो देखो बच्चों इसको बेटा जी मैं एक बार ना आप लोग को बेटा जी लिखवा देता हूं स्टेटमेंट, ठीक है। मैं बेटा बोल देता हूं, जिसको लिखना होगा बेटा लिख लेना रिपीट कर करके, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सीधे से लिखोगे बच्चे कि इन क्लोरोबेंजीन कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, व्हाइल इन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एंड ड्यू टू मोर एस करेक्टर द कार्बन ऑफ क्लोरोबेंजीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ द साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द कार्बन एंड क्लोरीन ऑफ क्लोरोबेंजीन विल बी लेस, हेंस लेस चार्ज विल अपीयर्ड ऑन इट। ठीक है बच्चों, ये तो बेटा फर्स्ट पॉइंट के एक्सप्लेन कर दिया। अब सेकेंड पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि ड्यू टू रेजोनेंस CCl बॉन्ड गेट्स पार्सियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर विच रिड्यूसेस इट्स बॉन्ड लेंथ, ठीक है बच्चे। एंड ड्यू टू अबव टू रीजन द क्लोरोबेंजीन हैज लोअर डायपोल मोमेंट देन द साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, ठीक है बच्चों। तो जिसको बेटा जी अगर नहीं लिख पाया होगा तो उसको आगे पीछे करके अपना बेटा कर लेना, ठीक है। तो बेटा हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बच्चे। और मैंने बोल ही रखा कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चे तो कमेंट बॉक्स में बेटा आप पूछ सकते हो कुछ भी, अगर पूछना हो तो मैं जवाब जरूर दूंगा। अब देखो बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें बेटा है ये 10.12 का सेकंड पार्ट है कि एल्काइल हैलाइड दाव पोलर आर इमिसिबल विथ वाटर, ठीक है, कि एल्काइल हैलाइड बेटा इसका सेकंड पार्ट है ना। इसमें कह रखा एल्काइल हैलाइड जो है वो होता तो है पोलर, तब भी ये वाटर में सोलेबल क्यों नहीं होता, ठीक है बच्चों, देखते हैं बेटा। देखो बेटा जी इसके लिए हम क्या करेंगे, आरएक्स का बॉन्ड दिखाएंगे और वाटर वाटर का बॉन्ड दिखाएंगे, ठीक है बच्चों। ओ एच 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 ओ एच, ठीक है बच्चों। देखो बेटा क्या होता है, इसपे डेल्टा प्लस, इसपे डेल्टा नेगेटिव, इसपे डेल्टा प्लस, इसपे डेल्टा नेगेटिव, यहां पर बेटा डेल्टा प्लस होता है टू डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा प्लस टू डेल्टा नेगेटिव, यहां भी डेल्टा प्लस, यहां भी डेल्टा प्लस, ओके बच्चों। अब देखो बेटा यहां पर क्या होता है, दो एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स के बीच का जो बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। और यहां पर भी बेटा जो दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये भी होता है स्ट्रॉन्ग, लेकिन एल्काइल हैलाइड और वाटर के बीच का जो बॉन्ड होता है बच्चों ये होता है वीक, ठीक है। तो बेटा ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है, तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है। और यहां पर क्या कहेंगे बच्चे, इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, ठीक है बच्चों। तो बेटा पहले तो हम ये डायग्राम बना लेंगे, इसे लिख लेंगे, फिर कहेंगे कि द बॉन्ड बिटवीन टू एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स, और उसमें लिख देंगे ब्रैकेट में डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, एंड बिटवीन द टू वाटर मॉलिक्यूल्स, उसमें लिख देंगे बच्चों इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, आर स्ट्रॉन्गर देन द बॉन्ड बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक से, ठीक है बच्चा। एक बार पूरा का पूरा बोल देता हूं, द बॉन्ड बिटवीन टू एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स ब्रैकेट में ये, एंड बिटवीन द टू वाटर मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रॉन्गर देन द बॉन्ड बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट्स व्हाई एल्काइल हैलाइड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है बच्चे। तो ये हो गया बेटा जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा थर्ड पार्ट है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, ठीक है बेटा। तो बेटा थर्ड पार्ट है इसका, इसमें कह रखा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब भी हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो एनहाइड्रस कंडीशन में ही क्यों प्रिपेयर करते हैं, ठीक है बेटा। तो बेटा क्वेश्चन ये है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमेशा एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों प्रिपेयर करते हैं। देखो बच्चे क्या होगा हमारा RMGX, ये हुआ हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट,
तो इसको जब मैं वाटर से रिएक्ट करवाऊंगा तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, RH प्लस MgxOH, है ना, ये होता है बेटा एल्केन। ठीक है, तो कह सकते हैं हम लोग कि व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद स्लाइट ऑफ मॉइस्चर इट गिव्स कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन, दैट्स व्हाई इट इज नॉट प्रिपेयर्ड इन हाइड्रस कंडीशन और ऑलवेज प्रिपेयर्ड इन एनहाइड्रस कंडीशन। ठीक है बच्चे, तो ये होगा बेटा जी इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बेटा, समझा दिया ना कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद रिएक्ट्स विद स्लाइट ऑफ मॉइस्चर टू गिव कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा जी एक और क्वेश्चन है बेटा जी, ये है क्वेश्चन हमारा, इसमें क्या है बेटा कि देखो क्वेश्चन नंबर इसके थ्री पार्ट तो हो गए। ठीक है, अब बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका उसमें है बेटा जी देखो 10.18, ये बेटा जी 10.18 क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है बेटा कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ये बेटा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है, इसको कंपेयर कर रहा है बच्चे ऑर्थो और मेटा से, Cl, इसको क्या कहेंगे हम लोग, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन, है ना बच्चे। इसी तरह से बेटा अगर हम ले सकते हैं तो मेटा भी ले सकते हैं, ये हो गया मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है बच्चे, तो कह रखा इन तीनों में से पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की मेल्टिंग पॉइंट जो है इन दोनों से ज्यादा होता है, ऐसा क्यों, कि वाई द पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन द ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। ठीक है बच्चों, तो इसका बेटा बहुत ही सिंपल जवाब है, आप कहोगे कि देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जब भी बेटा सिमेट्रिक स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट को, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट को अगर आपको किसी बैग में रखना है, ठीक है, तो स्ट्रेट रॉड में दूंगा आपको, ऐसे रॉड दूंगा तो आप ज्यादा से ज्यादा रख सकते हो, लेकिन वही मैं अगर आपको ऐसा दे दूं या फिर मैं ऐसा दे दूं, है ना, तो ऐसे रॉड्स आप कम रख पाओगे किसी पर्टिकुलर बैग में, है ना, क्योंकि ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर नहीं, लेकिन ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, तो वही कहानी है यहां पर बच्चों। तो क्योंकि बेटा इसका सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल इसके ना लैटिस में फिट हो सकते हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों सिंपली जवाब में इसका, कि ड्यू टू द सिमेट्रिक स्ट्रक्चर ऑफ पैरा डाइक्लोरोबेंजीन मोर नंबर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल कैन फिट इन टू द लैटिस विच इंक्रीजेज इट्स वंडरवाल फोर्स एंड हेंस हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, क्योंकि बेटा वंडरवाल फोर्स डिपेंड करता है मोलर मास पे, और मोलर मास डिपेंड करता है बेटा जी कि कितने मॉलिक्यूल्स इसमें है। ठीक है बेटा, तो ये भी हो गया बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चा, उस नेक्स्ट क्वेश्चन में है बेटा कि एक्वस KOH लेने के बाद आपका एल्काइल हाइड्राइड पे जब आप एक्वस KOH लेते हो, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर है 10.20, है ना, इसमें बेटा क्वेश्चन है द ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड्स विथ एक्वस KOH लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH एल्कीन्स आर मेजर प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, बेटा इसका ये कहना है कि जब भी जैसे कि मान लो बेटा जी CH3CH2Cl है ना, इस पर कहता है कि अगर आप एक्वस KOH लेते हो एक्वस, तो प्रोडक्ट बन जाता है CH3CH2OH प्लस KCl वगैरह जो है निकल जाता है। ठीक है बेटा, लेकिन अगर आप इसी रिएक्शन को अगर CH3CH2Cl पे अगर आप डालते हो बेटा एल्कोहलिक KOH, तब क्या होता है कि यहां पर एल्कीन बन जाता है, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl निकल जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्या हो जाता है एक्वस KOH में एल्कोहलिक KOH में। ठीक है बच्चों, तो इसका बेटा जी हम लोग आंसर लेते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चे होगा क्या कि पहले ये कार्बोकेटाइन टूटता है, जैसे कि CH3CH2Cl है, ठीक है ना, ये टूटेगा और बनेगा बच्चे CH3CH2+। अब क्या है कि एक्वस KOH में, है ना बच्चे, ये क्या है हमारे पास OH माइनस है। ठीक है, सिर्फ OH माइनस है, चाहे एक्वस मतलब वाटर लो वहां भी नेगेटिव चार्ज क्या है OH माइनस, और KOH में भी नेगेटिव चार्ज क्या है OH माइनस। ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चे, ये होता है वीक बेस, ये होता है वीक बेस,
इसलिए सिर्फ ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और प्रोडक्ट कोरस्पॉन्डिंग बना लेता है ये CH3CH2OH, ठीक है बच्चे। लेकिन अगर बेटा जी मैं एल्कोहलिक KOH की बात करूं, ठीक है ना, अगर मैं बेटा जी एल्कोहलिक KOH की बात करूं, ठीक है, तो एल्कोहल का मतलब क्या होता है, जैसे कि CH3 मान लो बेटा जी एल्कोहल कोई भी लिया, मैंने जनरल रिलेशन लेता हूं मैं, तो बेटा जनरल में अगर मान लो बेटा जी ले लिया मैंने ROH ले लिया, है ना, ROH, तो एल्कोक्साइड आयन क्या बनेगा, RO-, ये है बेटा जी एल्कोक्साइड आयन, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें क्या होता है हमारा, तो बल्कि मैं चाहता हूं कि यहां पर लिख देता हूं आप लोग के लिए, ठीक है बेटा, तो लिखेंगे बेटा जी कि इन एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH देयर इज एल्कोक्साइड आयन, देयर इज एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन जिसको हम लोग बेटा रिप्रेजेंट करते हैं RO- से, है बेटा। इसके पास देखो बेटा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज इसमें भी था, इसमें भी था, लेकिन ये जो एल्काइल ग्रुप है ये प्लस आई इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन का बढ़ा देता है, ठीक है। तो यहां तो ये क्या होगा बेटा, ज्यादा बेसिक, तो यहां लिखेंगे विच इज मोर बेसिक, विच इज मोर बेसिक प्रेफर टू एब्स्ट्रैक्ट एच प्लस, प्रेफर टू एब्स्ट्रैक्ट एच प्लस फ्रॉम कार्बोकेटायंस, फ्रॉम कार्बोकेटायंस, ठीक है, फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट, फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट, ठीक है बेटा जी। तो मैं जो बोल रहा हूं बेटा उससे लिख लेना, हो सकते वर्ड्स क्लियर ना हो, ठीक बेटा। तो यहां पर क्या करेंगे बेटा कि जब भी एल्कोहलिक KOH लेंगे तो ये क्या बताया मैंने कि एल्कोक्साइड आयन जो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है ना बच्चों, ये क्या हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेस को चाहिए होता है एच प्लस, एसिड एच प्लस लूज करता है लेकिन बेस एच प्लस एक्सेप्ट करता है, तो ये कहता है मुझे न्यूट्रलाइज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे एच प्लस चाहिए। तो फिर क्या करेगा बेटा, ये CH3 जो है अपना एक हाइड्रोजन को ये लूज करके बन जाएगा ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि इथीन बन जाएगा, ठीक है बच्चे। यहां बेटा मैंने CH2 लिखा, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मैं दोबारा लिख देता हूं CH2, ठीक है बेटा। ये बेटा एरो दिखा रखा है CH2, चला ये अपना हाइड्रोजन का पेयर इसको दे देगा और खुद जो है एच प्लस निकल जाएगा और बन जाएगा बच्चे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो मैं स्टेटमेंट एक बार लिख देता हूं, पूरा पूरा बोल देता हूं बच्चों, जिसको लिखना होगा बेटा लिख लेना। आप लिखोगे कि इन एक्वस KOH, ठीक है बेटा, आप लिखोगे बेटा जी यहां पर, ठीक है, कि इन एक्वस KOH OH- इज अ वीक बेस, OH- इज अ वीक बेस, वीक बेस एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल, एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड गिव्स एल्कोहल एज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। आप क्या कहोगे, इन एक्वस KOH OH- इज अ वीक बेस, एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल, गिव्स एल्कोहल एज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, व्हाइल इन एल्कोक्साइड आयन देयर इज, व्हाइल इन एल्कोहलिक KOH देयर इज एल्कोक्साइड आयन RO-, विच इज स्ट्रॉन्ग बेस। बेटा स्ट्रॉन्ग बेस क्यों है, तो ये भी लिख सकते हो आप लोग कि ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप अटैच्ड विथ ऑक्साइड, ठीक है बेटा। तब कह सकते हैं इन एल्कोहलिक KOH देयर इज एल्कोक्साइड आयन व्हिच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड विद ऑक्साइड, हेंस इट प्रेफर्ड टू एब्स्ट्रैक्ट एच प्लस फ्रॉम द कार्बोकेटायन फॉर्मड एज इंटरमीडिएट, ठीक है बच्चों। ये समझ आ गया बेटा कि हमने कहा कि बेटा एल्कोहलिक KOH जो है
इसमें एल्कोक्साइड आयन होता है जो प्लस आई इफेक्ट के कारण ज्यादा बेसिक हो जाता है, तो इसको चाहिए सिर्फ एच प्लस, ठीक है। तो इसको कहता है मुझे एच प्लस दे दो। तो ये जो पीछे वाला कार्बन है एलाइलिक कार्बन, ये अपना हाइड्रोजन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देता है ताकि इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए, ठीक है बच्चे। और क्या होता है कि ये एच प्लस को निकाल देता है और खुद बन जाता है एल्कीन, ठीक है बेटा। तो ये हो गया। अब बेटा इस क्वेश्चन, इस चैप्टर में एक और क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो है बेटा कि जो एराइल हैलाइड है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्यों नहीं प्रेफर करता, ठीक है। क्वेश्चन ये है बेटा कि जिस तरह से एलिफैटिक हैलाइड तो कर देता है ना, लेकिन जो एराइल हैलाइड है जैसे कि क्लोरोबेंजीन, इस पर बच्चों अगर हम लोग NaOH देते हैं तो इसके रिएक्शन के लिए हमें वेरी हाई टी एंड पी देना पड़ता है ना, वेरी हाई टेम्परेचर प्रेशर देना पड़ता है, तब जाकर के ये रिएक्शन होता है, ठीक है बच्चों, तब जाकर ये रिएक्शन होता है। तो वही पूछता है कि ये जो एराइल हैलाइड है ना, इसको कैटेगरी में कौन सा लेते हैं बेटा, एराइल हैलाइड है ना, ये एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रेफर क्यों नहीं करता, ठीक है बच्चे। तो इसका देखो बेटा हम लोग जवाब देते हैं, ठीक है बेटा। देखो बेटा इस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा बेटा SN1 और दूसरा पढ़ा होगा SN2। SN2 में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल पीछे से अप्रोच करता है और पहले से जो लगा हुआ हैलाइड होता है उसको निकाल देता है, ठीक है। और दूसरा SN1 में क्या होता है कि पहले कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, अगर वो स्टेबल हुआ तभी जाकर के आगे का रिएक्शन होगा, ठीक है बच्चों। तो हम दोनों चीज डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट देखो बेटा जी, जब हम बेटा एराइल हैलाइड की बात करेंगे तो आपको पता है ये क्या शो करता है, प्लस आर इफेक्ट। इसके कारण क्या होता है बेटा, यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो अगर कोई न्यूक्लियोफाइल इसकी तरफ आना चाहेगा तो उसको क्या करेगा, ये रिपेल कर देगा, ठीक है, इसलिए ये यहां पर नहीं आ पाता, ठीक है बेटा। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या होता है बेटा कि रेजोनेंस के कारण ये जो CCl का बॉन्ड है ये आ जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए फिर भी आपको कम एनर्जी चाहिए, लेकिन पार्शियल डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको और ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये दोनों कारण हो गया बेटा, इसलिए SN2 को प्रेफर नहीं करता, ठीक है बेटा। और दूसरा बेटा SN1 को अगर नहीं हमें एक्सप्लेन करना है तो हम ये कहेंगे कि इसका जो कार्बोकैटायन बनेगा वो हाईली अनस्टेबल होगा, ठीक है बेटा, ये होगा हाईली अनस्टेबल। क्यों बच्चों, क्योंकि देखो ये जो कार्बन है sp2 कार्बन था, ठीक है, तो इसीलिए ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन था एज कंपेयर टू अगर हम बात करते हैं बेटा CH3+ की, ठीक है। तो ये जो कार्बन था पहले से sp3 था, अब तो ये भी sp2 हो गया, ठीक है बेटा, लेकिन ये पहले से बेटा sp2 था, ठीक है। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन था, तो किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में बच्चों नेगेटिव चार्ज आता है तब तो वो स्टेबल होता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज उसको अनस्टेबल बनाता है, इसलिए ये क्या होगा, फिनाइल कार्बोकेटाइन क्या हो गया, अनस्टेबल, ठीक है बच्चों। तब समझ में आ गया। तब बच्चों लिखना क्या है, तो वो बच्चों आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। आप लिखोगे कि ड्यू टू द प्लस आर इफेक्ट ऑफ हैलाइड नेगेटिव चार्ज अपीयर्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन विच रिपेल द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है बेटा। फर्स्ट लाइन ये हो गया कि ड्यू टू द प्लस आर इफेक्ट ऑफ हैलाइड नेगेटिव चार्ज अपीयर्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन विच रिपेल द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, फर्स्ट लाइन तो ये हो गया। फिर सेकेंड लाइन लिखेंगे बच्चे हो कि कहेंगे ड्यू टू रेजोनेंस CCl बॉन्ड गेट्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर विच नीड्स मोर एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड, ठीक है बेटा। तो ये लिख लोगे सेकेंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में लिख देंगे हम लोग बच्चों कि ड्यू टू द अनस्टेबिलिटी ऑफ या अनस्टेबल फिनाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। तो इन सभी रीजनों से बच्चों क्या होता है कि हम लोग कह सकते हैं कि एराइल हैलाइड जो है प्रेफर नहीं करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, ठीक है बेटा। तो ये था बेटा जी हेलो एल्केन के रीजनिंग क्वेश्चन, ठीक है। अब बच्चों हम लोग चलते हैं एल्कोहल फिनॉल में, बच्चों जो है क्वेश्चन है ना रीजनिंग, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। तो अब देखो बेटा जी एल्कोहल फिनॉल में बेटा जी सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है बेटा जी फिनॉल का, वो भी एसिडिटी का क्वेश्चन। ये पूछा जाता है बच्चों कि व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल, ठीक है बेटा। तो आपने बच्चों क्वेश्चन लिख लेना कि व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल गिव अ रिएक्शन
इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, ठीक है बच्चों। तो बेटा जी इसके लिए जो है हम लोग सिंपल सा लिख सकते हैं बच्चों। देखो बच्चों इसमें बेटा जी आंसर में क्या लिखेंगे हम लोग, हमें कंपेयर करना है एल्कोहल और फिनॉल में। तो बेटा जी एक तो ले लिया एल्कोहल और दूसरा ले लिया बच्चों फिनॉल, ठीक है। तो अब क्या होता है बच्चों, दोनों का कॉन्जुगेट बेस हमें लेना पड़ता है H+, ठीक है। तो ये क्या बन गया बच्चों RO नेगेटिव, और यहां आ गया बच्चों बेंजीन के ऊपर में O नेगेटिव, ठीक है बच्चों। तो ये कह रहा था हमारा फिनोक्साइड आयन, दिस इज योर फिनोक्साइड आयन, और ये तो हो गया बेटा जी हमारा एल्कोक्साइड आयन, ठीक है एल्कोक्साइड आयन, ठीक है। तो अब देखो बेटा जब भी हमें एसिडिटी कंपेयर करना होता है सबसे पहला रूल यही होता है कि हम कॉन्जुगेट बेस ले लेते हैं, ठीक है बेटा। तो जब हम इस दोनों का कॉन्जुगेट बेस लेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब क्या है कि एल्कोहल का एल्कोक्साइड और फिनॉल का फिनोक्साइड आयन, ठीक है। तो हम दोनों में देखेंगे बच्चे कि कौन ज्यादा बेसिक है, जो ज्यादा बेसिक होगा उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा वीक, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं, देखो बेटा फिनोक्साइड आयन में क्या होता है, इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरे मॉलिक्यूल पे बच्चों डिस्पर्स हो जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस, है ना। जो भी नेगेटिव चार्ज है कुछ यहां कुछ यहां कुछ यहां और यहां पर, यानी कि इस चारों जगह पर ये डिस्पर्स हो जाएगा। तो मान लो बच्चा अगर 100 रुपीज रहता तो ये चार जगहों पर डिस्पर्स होकर कितना रहेगा, सिर्फ 25। अब देखो एल्कोक्साइड आयन में इसके पास जो था नेगेटिव चार्ज वो तो है ही, साथ ही साथ ये जो एल्काइल ग्रुप है ये प्लस आई फैक्ट के थ्रू इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा भी रहा है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, मोर बेसिक, दिस इज योर मोर बेसिक, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा लेस बेसिक, ठीक है बेटा। और जो होता है लेस बेसिक उसका कॉन्जुगेट एसिड जो होगा बेटा वो क्या होगा हमारा मोर एसिडिक, ठीक है। तो ये होगा बेटा जी मोर एसिडिक, ठीक है। अब देखो बेटा जी ये तो हो गया हमारा मोर एसिडिक। अब बेटा जी इसमें एक चीज आपको और बता रहा है कि एक रिएक्शन से समझाओ, ठीक है, कि ये जो है क्यों ये जो है ज्यादा एसिडिक है और ये कम एसिडिक है, ठीक है। चलो देखो हमने बेटा जी फिनॉल को रिएक्ट करवाया NaOH के साथ, हमने फिनॉल को करवाया NaOH के साथ, तो बेटा ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट तो बना लिया, ठीक है। लेकिन बेटा जो है इसमें क्या है हमारा कि जब हम लोग एल्कोहल को रिएक्ट करवाते हैं बच्चों NaOH के साथ तो यहां पर नो रिएक्शन आता है, ठीक है बेटा। तो इससे ये पता चल जाता है बच्चों, ठीक है, कि क्या है हमारा कि ये फिनॉल जो है मोर एसिडिक है और एल्कोहल जो है हमारा लेस एसिडिक है, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया बेटा। तो बच्चों ये वीडियो ऑलमोस्ट 35 मिनट्स का हो चुका है बच्चों। तो मैं बेटा अब क्या करूंगा कि इसका सेकंड पार्ट जो है जिसमें कि जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इसके बेटा उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन्स का है अमाइंस का है उसको मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा और उसको प्लेलिस्ट बनाकर बच्चों डाल दूंगा, आप लोग उसको पूरा देखना बच्चों, ठीक है। मन था बेटा कि पूरा एक ही वीडियो बनाओ 1 घंटे का, लेकिन क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हो, ठीक है ना बच्चों, तो इसीलिए बच्चों क्या किया मैंने कि 35 मिनट्स के मैं 2 वीडियो बना लूंगा, ठीक है बच्चों। तो इसको बच्चों देख लो, मेरे चैनल KK साइंस अकेडमी को सब्सक्राइब कर लो बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।